टैंकर लूटने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर एसपी ने रखा था 10,000 का इनाम। 65 लाख रुपए का तेल और ट्रक लूटने का किया था प्रयास। अनुविभाग क्षेत्र के तेंदुआ थाना क्षेत्र बीते दिनों टैंकर चालक के साथ हुई लूट की घटना को तेंदुआ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भुरैया के दिशा निर्देश में एसडीओपी कोलारस अमरनाथ वर्मा के नेतृत्व में तेंदुआ थाना प्रभारी अंकित उपाध्याय और उनकी टीम ने तीन आरोपियों को पडोरा चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह भागने की फिराक में थे। आरोपियों से चालक का लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों और पैसे भी मिले हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार टैंकर लूटने के बाद आरोपी टैंकर में 45 लाख रुपए का तेल और टैंकर को ले जाने चाहते थे, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए थी। टैंकर पलटने के बाद तेल फेंका गया और आरोपी भाग खड़े हुए थे। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी रखा था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी आसपास के बताए जा रहे हैं। एक का रिकॉर्ड पहले से थाने में है। इंस्पेक्टर में एक टीम बनाई गई थी, थाना प्रभारी तेंदुआ हमारे अंकित उपाध्याय, उनके साथ उनके लगातार गाइडेंस जो है हमारे एसडीओपी साहब अमरनाथ जी कर रहे थे। इस बारे में जब काफी सारी चीजें ली तो ऐसा पता लगा कि कुछ ना कुछ जिस तरीके से टैंकर जो है टर्न हुआ और स्थानीय जगह पे जाने की कोशिश कर रहा था एक स्थानीय रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं स्थानीय व्यक्ति इसमें शामिल होगा। तो इसमें जब सारी काफी लोगों से जब जानकारी ली गई तो ये तीन व्यक्तियों के नाम आए कि ये लोग इस तरह की वारदात ने इन्होंने किया है। इस पर से इनको अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो तीनों ने आरोप स्वीकार किया है। ये ड्राइवर हैं बेसिकली, और इनका कहना था कि उस दिन ये शराब के नशे इन्होंने किया था। उसके बाद ये जब आ रहे थे तो वो टैंकर पीछे था, अचानक एक गाड़ी इनकी डिसबैलेंस हुई तो इन्होंने गाड़ी टैंकर को रोका, और टैंकर को रोकने के बाद में जैसे ही इन्होंने ड्राइवर से मारपीट की तो इनमें से एक ने उससे 1500 रुपये ले लिए और ड्राइवर घबरा के भाग गया। जब ड्राइवर खाली हो गया तो इनको टैंकर को देख के लगा कि ये अच्छा इसमें तेल काफ़ी है, और इसलिए फिर ये सीधे ना आके अपने लाल जो क्षेत्र है उससे अंदर की तरफ कटे हैं और वहाँ पर तेजी से गाड़ी चला रहे थे, उसमें गाड़ी टैंकर पलट गया। तो ये तीनों को पकड़ा गया है। इनसे जो हमारे फरियादी के कागजात कुछ मिले हैं, कुछ पैसे जब्त हुए हैं, और ये अच्छी सफलता जो है थाना